दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी हम अच्छे से डेटा साइंस लाइफ साइकिल को समझते हैं। तो हमें सबसे पहले जब भी हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से जो है हमें डेटा को एक्वायर करना पड़ेगा। तो डेटा को एक्वायर करना मतलब हमारे पास जो है डेटा, क्योंकि हम जो है अभी फिलहाल के एज की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट डे सिनेरियो डेटा जो है हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस से आता है और डेटा बहुत सारे फॉर्मेट में भी प्रेजेंट रहेगा। क्योंकि डेटा बहुत सारे सोर्सेस से आता है, डेटा जो है बहुत सारे फॉर्मेट्स में प्रेजेंट रहता है, हमें इन सभी अलग अलग सोर्सेस से डेटा को एक्वायर करना पड़ेगा और जो भी अलग अलग फॉर्मेट्स वाला डेटा है उनको कंबाइन करके जो है एक जगह स्टोर करना पड़ेगा। ये मेरा डेटा एक्विजिशन वाला स्टेज है। तो डेटा को एक्वायर कर लिया है, फिर उसके बाद जो है मुझे डेटा को प्री प्रोसेस करना है। तो जो मैंने एक्वायर किया है वो थोड़ा सा रॉ डेटा है, तो अभी रॉ डेटा को जो है मुझे प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको टाइडी डेटा करना पड़ेगा। फिर अपने टाइडी डेटा के ऊपर जो है मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से कुछ ML algorithms अप्लाई करूँगा। फिर मैं जो ML algorithms अप्लाई करूँगा वो मुझे एक रिज़ल्ट देगा, और ज़रूरी नहीं है कि जो भी रिज़ल्ट मुझे मिलेगा वो सही हो, मुझे उस रिज़ल्ट को एवेल्यूएट करना पड़ेगा। तो ये वाला स्टेज पैटर्न एवेल्यूएशन बोलेंगे हम। और पैटर्न को एवेल्यूएट करने के बाद जो मेरा फाइनल रिज़ल्ट रहेगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर कस्टमर्स के लिए यूजिंग ब्यूटिफुल डैशबोर्ड्स एंड चार्ट्स। तो ये वाला स्टेज हो जाएगा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का। तो मैंने ब्रीफ में जो है आपको पूरा डेटा साइंस लाइफ साइकिल बताया है। अभी एक एक स्टेज को अच्छे से समझते हैं। तो डेटा एक्विजिशन, तो यहाँ पे मेन फैक्टर ये है कि जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोई भी इंडस्ट्री का हो सकता है, फिनेंस इंडस्ट्री का हो सकता है, बायोफार्म का हो सकता है, रिटेल का हो सकता है, ई कॉमर्स का हो सकता है। तो जो भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डील कर रहे हो, ये आपको जानना पड़ेगा कि डेटा जो है बहुत सारे सोर्सेस से आता है और डेटा अलग अलग फॉर्मेट में प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे आपको इन सभी डेटा आइटम्स को कलेक्ट करके एक सिंगल स्टोरेज प्लेस में स्टोर करना पड़ेगा। तो इस सिंगल स्टोरेज प्लेस को हम डेटा वेयरहाउस बोल देते हैं। तो आप क्या करते हो, आपके जो भी अलग अलग फॉर्मेट्स वाला डेटा है, PDF हो गया है, Excel फाइल हो गया है, यहाँ पे आपके इमेजेस भी हो सकते हैं, वीडियोज़ भी हो सकते हैं, उन सभी को कलेक्ट करके आप जो है एक डेटा वेयरहाउस में स्टोर कर दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका मेन काम स्टार्ट होता है। डेटा वेयरहाउस में आप क्या करते हो, आपके पास इतना सारा डेटा तो प्रेजेंट है ही, बट जो रेलेवेंट डेटा होगा उस रेलेवेंट डेटा को आपको चूज करना होगा, उस रेलेवेंट डेटा को हम टारगेट डेटा बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा समझिए। तो आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है वो पूरा डेटा जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड तो है, बट आपके पास बहुत ही ज़्यादा डेटा है और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इतना जो डेटा प्रेजेंट है उसमें से कुछ फैक्टर्स जो है उनका ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ना हो। जब आप इतने सारे फैक्टर्स से काम करते हो और बहुत सारे फैक्टर्स में जब इम्पॉर्टेंस नहीं होता है तो उनको जो है इंक्लूड करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो इसलिए जो है आपको जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उन्हीं को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे स्टोर्ड डेटा है उसको सबसे पहले तो हम इंटीग्रेट करके एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उससे जो है हमारा जो टारगेट डेटा है, जो सबसे रिलेवेंट फीचर्स रहेंगे हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से, हम उन डेटा आइटम्स को ही उठाएंगे और उनको हम टारगेट डेटा बोलेंगे। तो इस तरह से हमने डेटा एक्विजिशन स्टेज में हर जगह से अलग अलग फॉर्मेट के डेटा आइटम्स उठा लिए, उनको हमने डेटा वेयरहाउस में स्टोर कर लिया, डेटा वेयरहाउस में जो है हमने इनको इंटीग्रेट कर लिया, फिर उसमें से हमारा जो मोस्ट रिलेवेंट डेटा आइटम्स है उनको कलेक्ट करके जो है हमने एक जगह फिर से रख लिया है, इसको हम टारगेट डेटा बोलेंगे। तो हमने डेटा एक्वायर कर लिया है, इसके बाद हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला स्टेज आता है। और ये डेटा प्री प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। नॉर्मली अगर आप एक डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है इस वाले स्टेज में स्पेंड करोगे, क्योंकि आपका जो रॉ डेटा है उसको अनटाइडी फॉर्मेट से टाइडी करना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अनटाइडी डेटा के ऊपर या फिर गलत डेटा के ऊपर ML algorithms या फिर डेटा साइंस algorithms अप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट पक्का गलत ही होगा। तो आपने ये फ्रेज सुना होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट।
अगर आप अपने एल्गोरिदम को गलत डेटा दोगे या फिर गार्बेज डेटा दोगे तो आउटपुट तो गार्बेज होगा ही। तो इसलिए डेटा प्री प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके डेटा साइंस लाइफ साइकिल में। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में आप सबसे पहले तो जो भी एनोमलीज होता है उन सभी को जो है आप रिमूव कर देते हो, जो भी आउटलायर्स होते हैं उनका आउटलायर ट्रीटमेंट करते हो, मिसिंग वैल्यूज़ हो सकते हैं उनको जो है आप ध्यान में रखते हो। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो है कॉलम के नाम्स गलत हो या फिर जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं रिकॉर्ड्स में वैल्यूज़ कुछ गलत हो, इन सभी को आपको ट्रीट करना होगा। तो ये सब जो है आप क्या कर रहे हो, डेटा क्लीनिंग कर रहे हो। फिर डेटा क्लीनिंग के बाद दो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं हमारे एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस में। एक हो गया है डेटा मैनिपुलेशन, दूसरा हो गया है डेटा विजुलाइजेशन। तो मॉडल बिल्ड करने से पहले हमें अपना जो डेटा रहेगा उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अगर हमें डेटा को अच्छे से समझना है तो मुझे क्या करना है, तो मैं सिंपल इंसाइट्स फाइंड आउट करूँगा। फिर डेटा मैनिपुलेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो मान लेते हैं आपके बॉस ने जो है सडनली आपको एक बहुत ही बड़ा एक्सेल फाइल दे दिया है जिसमें कुछ शायद से 10,000 कॉलम हो और 1,000,000 रिकॉर्ड्स हो। तो आपके पास एक एक्सेल फाइल है जहाँ पे 10,000 कॉलम्स है और 1,000,000 रिकॉर्ड्स है, और अगर आपको इनमें से इनसाइट्स कुछ फाइंड आउट करने हैं, तो मान लीजिए इस एक्सेल शीट में से आपके बॉस ने बोला है भाई मुझे उन सभी एम्प्लॉयज़ के नाम बताओ जिनका जो है सैलरी $100,000 से ज़्यादा है और जिनकी एज 30 से कम है। तो क्या आप मैन्युअली हर एक रिकॉर्ड चेक करोगे यहाँ पे? तो आपके पास 1,000,000 रिकॉर्ड्स है। तो अगर आप मैन्युअली हर एक रिकॉर्ड चेक करोगे एक एक एम्प्लॉय का, और एक एक एम्प्लॉय का आपको एज देखना पड़ेगा, सैलरी देखना पड़ेगा, तो भाई आप ज़िंदगी पूरा इसी में जो है गुजार दोगे। आपका प्रोजेक्ट चलता ही रहेगा और आपका रिजल्ट पता नहीं, आप जो है पूरा एग्जॉस्ट हो जाओगे, रिजल्ट भी आपको सही नहीं निकलेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में जो है हम डेटा मैनिपुलेशन या फिर डेटा व्रैंगलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन या फिर डेटा व्रैंगलिंग में हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं। तो कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हो गए, आपके पाइथन हो गया है, आर हो गया है, फिर हमारे पास सीक्वल भी है। तो इन लैंग्वेजेस के साथ जो है हम कुछ बेसिक चीज़ें अप्लाई करेंगे, उन बेसिक चीज़ों से जो है हमें इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर इसी चीज़ का जो हमारे पास जो है 10,000 कॉलम्स है और 1,000,000 रिकॉर्ड्स है, और मुझे वो सभी एम्प्लॉयज़ के नाम चाहिए जिनकी सैलरी $100,000 से ज़्यादा है और एज 30 से कम है, मैं बस एक सिंपल पाइथन क्वेरी या फिर आर क्वेरी या फिर सीक्वल क्वेरी लिख सकता हूँ, इससे मुझे एक लाइन में जो है रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है डेटा व्रैंगलिंग इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट इंसाइट जो भी होता है वो मैं क्विकली फाइंड आउट कर सकता हूँ डेटा मैनिपुलेशन से। फिर उसके बाद हम डेटा विजुलाइजेशन की बात करते हैं। तो डेटा विजुलाइजेशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक डेटा साइंटिस्ट के पूरे स्किल सेट का, क्योंकि अगर आपने जो है कुछ रिजल्ट फाइंड आउट कर दिया है और वो रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में है, और उन टेक्निकल टर्म्स जो है आप लेके आपके क्लाइंट को या फिर कस्टमर को दिखाओगे, तो भाई उनको तो कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि वो टेक्निकल पर्सन नहीं है। तो इसलिए जो है आप डेटा विजुलाइजेशन इस्तेमाल करोगे, आपका जो भी फाइनल रिजल्ट रहेगा इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स रहेंगे, तो वो सब आप हटा के जो है उनको आप ब्यूटिफुल डैशबोर्ड्स या फिर ब्यूटिफुल ग्राफ्स के फॉर्म में दिखाओगे। तो यहाँ पे जो है स्कैटर प्लॉट या फिर बार प्लॉट या फिर बॉक्स प्लॉट, ऐसे डिफरेंट ज्योमेट्रीज यूज़ करोगे और आप एक ग्राफ बनाओगे, उससे जो है आपको ब्यूटीफुल विजुलाइजेशन दिख जाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए जो है आपका डेटा मैनिपुलेशन और डेटा विजुलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। और इस वाले स्टेज में मैं फिर से आपको रीट्रेट कर रहा हूँ, इस वाले स्टेज में जो है डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। जो ML एल्गोरिदम का एप्लीकेशन होता है वो इसके बाद आता है। तो हमने क्या किया, हमने अभी तक डेटा को एक्वायर कर लिया है, डेटा में जो भी या आपका डेटा क्लीनिंग था, आपका अनटाइडी डेटा से आपने जो है टाइडी डेटा कर लिया, फिर हमने जो है डेटा प्री प्रोसेसिंग भी कर लिया है। फिर इसके बाद हमारे पास टाइडी डेटा आ गया है, इस टाइडी डेटा के ऊपर जो है हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से कोई भी ML एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ML एल्गोरिदम्स है। तो अगर मान लीजिए मुझे दो फैक्टर्स में से या फिर मल्टीपल फैक्टर्स में से कुछ चूज़ करना है या फिर किसी चीज़ को क्लासिफाई करना है, तो मैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज़ कर सकता हूँ।
सिमिलरली अगर मुझे कोई जो है न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करना है या फिर कुछ फोरकास्ट करना है तो मैं रिग्रेशन यूज़ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मान लीजिए मुझे डिफरेंट डेमोग्राफी समझने हैं अपने मार्केट के, तो मैं ऐसे क्लस्टर बना सकता हूँ या फिर ग्रुप्स बना सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स है। तो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से जो है हमारे पास अलग अलग एल्गोरिदम्स है और इनमें से हम कोई भी एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने जो है टाइडी डेटा के ऊपर हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से एक ML एल्गोरिदम अप्लाई कर लिया और उससे हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा, बट ये आपका फाइनल रिज़ल्ट नहीं होगा। आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपका जो रिज़ल्ट मिला है उसको आपको बहुत ज़्यादा ट्वीक करना है, उसको आपको बहुत ज़्यादा जो है उसका क्लीनिंग करना है। आपको रिज़ल्ट जो आएगा उसको भी आपको क्लीन करना है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही आप एल्गोरिदम बनाते हो आपको परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं मिलता है। जैसे हम फिर से हमारे पास एक कोट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसी तरह से प्रैक्टिस ऑल्सो मेक्स एन ML एल्गोरिदम परफेक्ट। तो पहले आइट्रेशन में ज़्यादातर आपके जो भी ML एल्गोरिदम्स है वो आपको जो है बेस्ट एक्यूरेसी नहीं देंगे, तो आप यहाँ पे जो है ट्रायल एंड एरर ऐसे करते रहोगे, बार बार जो है ML एल्गोरिदम्स अप्लाई कर दोगे, आप हाइपर पैरामीटर्स को जो है ट्वीक करते रहोगे, उस तरह से आपको फाइनली एक जो है ऐसे एक्यूरेसी मिलेगा जिसके ऊपर वो और ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। तो मान लीजिए आपने स्टार्ट किया 65% एक्यूरेसी से, वो बढ़ते हुए जो है शायद से कुछ 85 तक पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद आप जितना भी उसको ट्वीक करोगे, ट्यून करोगे, कुछ भी चेंज करोगे, वो 85 पे ही जो है फिक्स रहेगा। तो इस स्टेज पे आप बोलोगे कि आपका जो है ये ऑप्टिमाइज्ड मॉडल है क्योंकि ये आपको आइडियल एक्यूरेसी दे रहा है। इससे ज़्यादा आप मतलब कुछ चेंज करोगे, ज़्यादा कुछ आपको चेंज या आपके एक्यूरेसी में नहीं होगा। तो ये सब जो है हम पैटर्न एवेल्यूएशन में करेंगे। तो हमने जो है हमने रिज़ल्ट को एवेल्यूएट कर दिया है और हमें पता है कि हमारा जो मॉडल बिल्ड किया है अभी वो ऑप्टिमल मॉडल है और मैक्सिमम एक्यूरेसी भी मिल गया है। तो अभी हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर वो हमें अपने क्लाइंट्स को या फिर कस्टमर्स को दिखाना है, मुझे यहाँ पे जो है डैशबोर्ड्स या फिर चार्ट्स यूज़ करने हैं क्योंकि मेरे क्लाइंट को उतना ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं रहेगा, उसको रिज़ल्ट चाहिए। तो अगर मुझे अपने क्लाइंट को जो है कुछ कन्विंस करना है कि भाई ये जो है मैं आपको रिज़ल्ट ऐसे दिखाऊंगा, तो उसको आप विजुअली दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर से हमारे पास ये कोट है, अ पिक्चर स्पीक्स अ थाउजेंड वर्ड्स। तो आप जो है टेक्निकल जार्गन, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज़ कर लो, उनसे जो है आपका क्लाइंट उतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होगा। उसके बदले आप जो एक बहुत ही खूबसूरत सा डैशबोर्ड इम्प्लीमेंट कर दो और डैशबोर्ड में आप जो अच्छे से रिज़ल्ट दिखा दो, तो उससे जो है आपका कस्टमर या फिर क्लाइंट अच्छे से इम्प्रेस होगा। तो इसलिए जो है डेटा विजुलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है कोई भी डेटा साइंटिस्ट का। तो हमने जो है अभी पूरा डेटा साइंस लाइफ साइकिल अच्छे से समझ लिया।